बताइए कतर भी गले ठीक है गलिए बिडौल सुपौल हाँ बोलो बलोक बलोक में देखलिए एसडीओ बीडीओ कर्मचारी सरपंच मुखिया मेंबर पांच सबके साथ रूम में बंद भय के गप करत रहे मंत्री सुना अगर वो रूम में थी मुखिया सरपंच किसी भी आदमी से वो बातचीत करती थी तो हो सकता है वो काम के बारे में बातचीत करते होगी नहीं मिल के नहीं दस बजे मेरे रूम में गले से तीन बजे तक रूमे में रहे अरे चट्टा तुम्हें बकवास करते हो नहीं है तुम अपना घरवाली को गलत बनाते हैं नहीं गलत नहीं मैं बना रहे हम यही द्वारा करीब अपना कन्या करते खाना तैयार या खाना खाब कि नहीं खाब अरे हो सकता है वो वहाँ ब्लॉक पर जो है ना नाश्ता कर लिया होगा हम खिड़की में से हुल्लुक बुल्लुक के लिए ना उन्हें से चौकीदार ये ना दूध थप्पड़ हमरा घी डाल के और तुम्हें मारा सही किया क्योंकि तू तो गलत आदमी है हमरा कहते तू चोरी चोर कर है चोरी करते हो सही कहा हम के लिए नहीं हो चौकीदार साहब यो अमर कन्या अंदर में से बोला दियो खाना बना के रख के छी अच्छा ये बात है ताई द्वारा कलियल दोनों प्राणी में आज हमरा झगड़ा भेल छे मंत्री मैल कह सुनो मैं ज्यादा सुनने के लिए नहीं चाहती हूं अच्छा तुम जा कर के पतिदेव की बंगला में पारा मचा ठीक है महारानी और हम जो है इस समय चल कर के रंगमाली में आराम करूंगी मैं करूंगी क्या बोला रे मैं करूंगी पारा तब ठीक कहिए मैं हिंदी नहीं बोल लावे छे चट्टा तुम बोल मंत्री तुम ऐसे बोलो कि मैं पारा करूंगा यानी हमरा हिंदा बोला गेले फिर देखो हिंदा अच्छा मैं पारा करूंगा हां ये वाला मैं रजुआ कभी करूंगा अब ठीक से Thank you.
आज मोहब्बत बढ़ता है और मेरे पिताजी के नाम आला सिंह और मेरी माँ की नाम सती सोना और मेरे चाचा के नाम जंगीर उदल सिंह और मेरे चाची के नाम सती फूला वो सुन और मेरे भाई का नाम राम शंकर जहाँ कहीं भी छे हाँ अपन मोबाइल लो जेबे और मेरे भाई का नाम इंदल कुमार और मेरे चाची का बेटे का नाम अमरजीत कुमार। तो मैं इस समय मैं जा रही हूँ अपनी सखी सहेली के साथ सुप्ति मौनी खेलने के लिए। आहे कहाँ गेले आकिया भेले सखिया सहेली साहब मोबाइल हाथ से नहीं छूटे वाला है कैसी है सखी मैं ठीक हूँ आप बताओ आप कैसे हो खाना पीना खा ली तूने हाँ हाँ मैं तो खाया हूँ मैं जा रहा हूँ सुप्ति मौनी खेलने के लिए तुम सब सखी सहेली तुम सब अच्छी हो ना हाँ कहाँ जा रही हो तुम लोग हम लोग जा रहे हैं सुप्ति मौनी खेलने के लिए क्या वो सहेली मैं भी जाऊंगी क्या हाँ नहीं ले जाऊंगी क्यों क्योंकि तुम्हारा राजमहोबा में कुछ नहीं है अरे ऐसे कैसे नहीं कुछ नहीं है 14 कोस लंबा और 14 कोस चौड़ा मेरी राजमहोबा है हाथी घोड़ा हर साल सब चीज है क्या चीज नहीं है मेरे राजमहोबा में बताओ 3 चीज की कमी है क्या 3 चीज की कमी है तेरे राजमहोबा में तो उसको बताओ चंदन चरखा कटो खिलोरा बरबर बाजा क्या हाँ इतनी सामान कहाँ मिलेगा दलका घर में मिलेगा इधर सुनो ना मैं अपनी हाँ। माँ मैं अपनी अभी जाऊंगी अपनी माँ को बोलूंगी मेरी माँ मुझे लिलसा लगा है 3 चीज चंदन चरखा कटो खिलोरा मरवन बाजा मैं अपनी माँ को बोलूंगी तब तक सहेली तुम हमको ले चलो अपने साथ हाँ हाँ चलो नहीं ले जाओ क्या लेके आओ तब उसके साथ ऐसे मत बोलो तुम मेरी बचपन की सहेली हो ऐसे नहीं बोल सकती हो सामान लेके आओ उसका बाद मेरे साथ चलना खेलने के लिए नहीं ऐसे मत तुम बोलो बोला ना नहीं ले जाऊंगी तो नहीं ले जाऊ आहे काला चोरी करिया सखिया आहे बिना ती तो
आऊंगी, मुझे भी ले चलो। नहीं नहीं मैं भी जाऊंगी, नहीं मैं भी जाऊं, नहीं कर जाती हो दीदी, मैं मुझे भी ले चलो। ठीक है अब सब जाओ, मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ। आए तंते आए की जाता जाई भाई, आए माता ना खेलने के लिए जा रही थी तो मुझे सगी सहेली साथ मिली और उसको बोली मैं भी जाऊंगी सुप्ती मौनी खेलने के लिए, तो वो मुझे क्या जवाब देती है, तुम्हारे इसी राज मौबा में कुछ नहीं है। तो मैं उसको बोले 14 कोस लंबा और 14 कोस चौड़ा मेरे पिताजी के बहुत कुछ है, बोले कुछ नहीं है। देखो बहन ये तो तुम्हें कहना हकीकत है कि राज महापा में राजा है तो क्या है, प्रजापति भी संपत्ति वाला है। अगर तुम्हें कोई चीज का ताना दिए, कोई चीज का लालसा लगे हुए, तुम यहां से चली जाओ और अपनी माँ के साथ। मैं भी जानता हूं कि राज महापा में एक ही खिलौना खलचंद कुमारी है, तुम यहां से चली जाओ अपनी माँ के पास और माँ की सारी बात कह देना और अपनी माँ से जो चीज मांगने के लिए चाहती है तू और सामान मांग लेना। ठीक है मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ।
के चरण कमल में मैं करती हूँ प्रणाम। आमन से आशिक दीजिए माता जी कि मैं सदा रहूं कल्याण। जी के चल ए जी तूने किया परना आज मर से आशिक देती हूँ ए जी सदा रहो कल्याण। बेटी कंचन कुमारी हाँ ये बता तुम्हें आंख में आंसू देखती हूँ बेटी और आज बहुत उदास लग रही है। आप के यो तो हरा गा